आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। यहाँ भीषण बारिश के बाद लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ गए और इसी का जायजा लेते वक्त सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की जान मुश्किल में आ गई। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उस समय बाल बाल बच गए जब वो बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे लोगों से मिलने गए थे, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे थे। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के दौरान चंद्रबाबू नायडू एक रेलवे ब्रिज पर पहुंचे और वहीं पर अपने स्टाफ के साथ खड़े हुए थे, बाढ़ की ओर देख रहे थे। तभी अचानक इस सकरे पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरनी शुरू हो गई। ट्रेन को देख करके मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अचानक आई इस ट्रेन से सकरे से पुल से निकलने का मौका तक नहीं मिला और वहीं पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ओट लेकर के खड़े नजर आए, यानी उनसे चंद फीट की दूरी से ट्रेन तेजी से गुजर गई। हालांकि ट्रेन का आने का सिग्नल जब हुआ तो नायडू को किसी तरह से किनारे खड़ा किया गया, सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बनाया, तब जाकर के वो बच पाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दरअसल गुरुवार को जायजा लेने गए थे और तभी ट्रेन तेज रफ्तार से गुजरी। इस दौरान शीर्ष अधिकारियों को ये पता ही नहीं चला कि ट्रेन आने वाली है। दरअसल मधुरा नगर बुडा मेरू के आसपास के इलाके में वो भ्रमण कर रहे थे, बाढ़ का जायजा ले रहे थे, तभी वो रेलवे ब्रिज पर पहुंचे। रेलवे ब्रिज से बाढ़ के फ्लो का वो जायजा ले रहे थे, उसे देख रहे थे, तभी वहां पर ट्रेन आ गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रेलवे ब्रिज पर चलकर बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे हैं। बाढ़ की तीव्र गति से बहती हुई धारा को देख रहे हैं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन उनके पास से गुजरती है। गनीमत रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बुडा मेरू कैचमेंट जकमपुरी मिल्क फैक्ट्री, कंद्रिका अजीत नगर, अम्बापुरम स्थित कई जगह पर स्थित खराब है। बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जनता को राहत पहुंचाने और संकट की घड़ी में सबको बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आंध्र प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बाढ़ का हालात देखते हुए केंद्र को इसके बारे में पूरी रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश बाढ़ के कहर से इन दिनों त्राहिमाम कर रहा है। आंध्र प्रदेश की कई नदियां अपने उफान पर हैं, कई इलाके पानी में जलमग्न हैं, कई जगह से सड़क टूट गई है। कई जगहों पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर के सभी लोग उन्हें राहत पहुंचा रहे हैं, इसीलिए नायडू भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे, तभी उनके साथ ये हादसा होते होते बचा था। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चंद्रबाबू नायडू से बात कर चुके हैं और राज्य में हर प्रकार की मदद का आश्वासन दे चुके हैं। इसके अलावा एक्टर और डिप्टी सीएम कल्याण भी लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कई इलाकों में जाकर के जायजा लिया था और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश तक दिए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।